आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। दादरी जिले के गांव चरखी में अंग्रेजी शराब की बोतलों में भरकर बेचने के अवैध धंधे का भंडाफोड़ करते हुए दादरी सदर थाना पुलिस ने 5 युवकों को काबू किया है। मौके से पुलिस ने 145 पेटी शराब, खाली बोतलें, रैपर, ढक्कन, पेटियां आदि सामान भी बरामद किया है। इस दौरान मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पकड़े गए 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। पुलिस जांच अधिकारी ASI अजीत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया। मौके से पुलिस ने 5 आरोपियों को काबू किया, जबकि मुख्य आरोपी योगेश फरार हो गया। आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। चरखी में अवैध जैसे कि दूसरी जो शराब है, बिना मार का शराब बाहर से लेकर और उसके ऊपर अंग्रेजी की मार का लगा के सप्लाई की जाती है, जिस पर श्री अपने रिजपाल इंस्पेक्टर एक्साइज को बुला के और मुखबरी के आशा आधार पर वहाँ रेड की गई। तो रेड पर हमने की तो वहाँ पर एक बंदा था, वो तो गया भग। 5 बंदे हमने काबू किए, उन्होंने अपने बताया विक्की, दिनेश, मनीष, बिट्टू, बलराज। जो मकान के से पीछे जो चौक होता है उसमें 128 पेटी शराब रॉयल स्टेज, 17 पेटी प्रीमियर लोबर और 5 गत्ता पेटियां में जैसे कि अलग अलग उसमें 200 बोतल रॉयल स्टेज, बाकी जैसे बोतल जैसे कवर होते हैं 150 कवर, हेलोग्राफ 100, लेबल बड़े 115, 100 छोटे लेबल, खाली जो प्लास्टिक की बोतल थी 1600 करीब 1600, 150 गत्ते पेटियाँ ये बरामद हुई। और जो रॉयल स्टेज के ढक्कन होते हैं एक कट्टा में 840 ढक्कन बरामद हुए, जो इन आरोपियों को हमने पकड़ लिया और तफ्तीश जारी है। चरखी दादरी से विजय कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।